इस वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम्स के एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। इसमें हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स के कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में कुछ रूल्स को फॉलो किया था। तो देखते हैं इस एग्जांपल को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपका तरीका अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग हो सकता है, तो ब्लॉक डायग्राम को अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। बस आपको रूल्स जो है वो अच्छे से अप्लाई करने आने चाहिए। अब ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ पता होना चाहिए कि कौन सा फॉरवर्ड पाथ है और कौन सा फीडबैक पाथ है। वहाँ पर कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं और वो गलती कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि आपको साइन कन्वेंशंस को अच्छे से देखना है। साइन कन्वेंशन मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। इन चीज़ों को आपको देख के और ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। देखिए, इस पर्टिकुलर फिगर में अगर आप फॉरवर्ड पाथ देखें तो ये वाला फॉरवर्ड पाथ है, बिल्कुल है, क्योंकि ये इनपुट से आउटपुट की तरफ सिग्नल जा रहा है। सेकंड, ये अगर मैं पाथ देखूं तो ये भी फॉरवर्ड पाथ है, ये भी तो इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है, ठीक है। थर्ड, अगर मैं इसको देखूं तो ये देखिए, ये आउटपुट से इनपुट की तरफ आ रहा है, इधर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये आपका फीडबैक पाथ है, ये फीडबैक पाथ है, ये फॉरवर्ड पाथ है, ये फॉरवर्ड पाथ है। अब हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आप क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक एरो देखने मिल रहा है और यहाँ से एक इधर से एरो आ रहा है, तो मतलब आउटपुट से इनपुट की तरफ आ रहा है, तो ये फीडबैक पाथ हुआ आपका, है ना। उसके बाद अगर मैं इस सिग्नल को देखूँ तो ये सिग्नल मुझे क्या शो कर रहा है कि ये मेरा इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है, इधर की डायरेक्शन में आ रहा है। देखिए, इधर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये आपके पास फॉरवर्ड पाथ है। इसको गलती से भी आप फीडबैक पाथ मत मान लीजिएगा, कई बार ये एरो देखता ही नहीं है स्टूडेंट और गलती कर देता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फॉरवर्ड पाथ है। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, इस फीडबैक पाथ का नेगेटिव साइन है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, और देखिए फॉरवर्ड का भी नेगेटिव साइन हो सकता है। तो ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल मत रखना कि फॉरवर्ड पाथ में नेगेटिव साइन नहीं हो सकता या फॉरवर्ड पाथ अलग से लूप में नहीं आ सकता। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फॉरवर्ड पाथ का गेन भी 1 हो सकता है, यहाँ पर गेन 1 है। तो अब आपको यहाँ पर जो कंफ्यूज कर रही होगी चीज़, वो ये लाइन कर रही होगी कि ये लाइन यहाँ पर अटैच, अगर ये लाइन यहाँ पर अटैच नहीं होती तो या तो ये वाली लाइन फीडबैक होती या फॉरवर्ड होती, ये दोनों तरफ एरो नहीं हो सकता था। ये इस लाइन की वजह से है, यहाँ पर भी एरो है और यहाँ पर भी एरो है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ये ही लाइन यहाँ पर भी जा रही है और यही लाइन यहाँ पर भी जा रही है। ये वाला जो सिग्नल है यही इसमें फीडबैक सिग्नल के तौर पर काम कर रहा है, और यहाँ पर यही सेम सिग्नल इसके लिए फॉरवर्ड पाथ की तरह काम कर रहा है। तो हम इस सिग्नल को 2 भागों में बांट देते हैं, एक जो इधर जाएगा, एक जो इधर जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फिगर में जब हम देखेंगे तो आपको ऐसा देखने मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बस आपने इस लाइन को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, इस लाइन को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको देखिए कितना आसान बन चुका है, ये एक स्टेप आपने फॉलो किया और पूरा ब्लॉक डायग्राम भी आसान बन जाएगा आपके लिए। अब ये जो दोनों हैं, ये आपके पास फीडबैक लूप है, तो आप इसमें फीडबैक एलिमिनेशन वाला जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, तो वो आपको करना है। जैसा कि ये देखिए, मैंने आपको जो रूल्स पहले बताए थे उसके अंदर, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आप डायरेक्ट इसको एलिमिनेट करके और GS/1+GSHS लगा सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं G2/1+G2H1। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो एक ब्लॉक तो हमारा ये बन चुका। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो है ये आपके पास गेन 1 है, जहाँ पर भी ऐसे सिंगल लाइन बनी हो उसका गेन आप 1 लेंगे, और G3 यहाँ पर इस फॉरवर्ड पाथ का सिग्नल है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। तो अब आप इसको फीडबैक की तरह तो सॉल्व नहीं करेंगे ना, क्योंकि दोनों ही फॉरवर्ड सिग्नल है, ये भी फॉरवर्ड पाथ है, ये भी फॉरवर्ड पाथ है। तो आप यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पैरेलल पाथ की तरह। मैंने आपको पैरेलल पाथ वाला एग्जाम्पल भी बताया था, पैरेलल पाथ वाला रूल बताया था। इसके अंदर देखिए, ब्लॉक्स इन पैरेलल, जब भी 2 ब्लॉक्स पैरेलल में हो, दोनों फॉरवर्ड में जा रहे हो, तो आप उन दोनों को एलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है 1-G3। माइनस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। अब इस माइनस को जब आपने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, इस ब्लॉक में जब इंक्लूड कर लिया है, तो अब ये सिग्नल जो आगे जाएगा
ये वाला सिग्नल जो अब आगे जाएगा ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है। तो अगर मैं अब इस इन दोनों को एलिमिनेट करने के बाद जब मैं जो फिगर देखूंगा तो वो मुझे कुछ ऐसा नज़र आने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने दोनों समिंग पॉइंट्स को हटा दिया और दोनों जो एक तो यहाँ पर बना हुआ था एक यहाँ पर बना हुआ था, जैसे कि एक ये वाला बना हुआ था और एक ये वाला बना हुआ था, उन दोनों को जब मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरे पास कुछ ऐसा फिगर आ गया। अब मेरे पास ये दोनों तीनों सीरीज में आ गए तो मुझे इन तीनों को सीरीज में सॉल्व कर लेना है। सीरीज का मैंने आपको क्या रोल दिखाया था? सीरीज का मैंने आपको बताया था कि जब भी सीरीज में लगे हों तो दोनों के गेन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर इन तीनों के गेन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम चलिए तीनों के गेन को मल्टीप्लाई करके और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का बनेगा। तो जब हम तीनों के गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, इस समिंग पॉइंट को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले अगर आप इस फीडबैक पाथ को किसी तरीके से इधर ले आएं तो शायद आप इस G5 को इन दोनों के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको रूल दिखाया था कि टेकिंग अ समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, तो इस ब्लॉक के बाद जब समिंग पॉइंट को लेकर के जाना है तो आपके पास देखिए समिंग पॉइंट पहले है, ये समिंग पॉइंट जो पहले है इसको जब बाद में लेकर के जाऊंगा तो इस सिग्नल के साथ एक गेन ऐड होगा, एक गेन मल्टीप्लाई होगा और वो गेन ये इस वाले ब्लॉक का होगा। तो सेम रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो जब इस समिंग पॉइंट को इसके बाद लेकर के जाएंगे तो इस ब्लॉक का जो गेन होगा वो इसके साथ इनटू हो जाएगा। इस समिंग पॉइंट को आप यहां पर लगा दीजिए या फिर आप इसको डायरेक्टली यहां पर ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि यही तो सिर्फ सिग्नल है जो यहां पर जा रहा है, सेम सिग्नल है, ये सिग्नल यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर अगर आप इस सिग्नल को अगर आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो वो भी वही बात है, यहाँ पर कनेक्ट कीजिए चाहे यहाँ पर कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर जब आप कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सिंपल आपको देखने को मिलेगा। तो ये समिंग पॉइंट यहाँ से हट चुका है, ये वाला जो सिग्नल है ये यहाँ पर आ चुका है। अब आपके पास एक लूप तो ये बन जाएगा और एक लूप आपके पास ये बन जाएगा, ये हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। तो कुछ ऐसा आपके पास बन गया, एक लूप आपके पास ये बन गया, एक लूप आपके पास ये बन गया। अब यहाँ पर भी आप मिस्टेक करेंगे, आप मिस्टेक ऐसी करेंगे कि सर ये वाला जो पाथ है ना ये फॉरवर्ड पाथ है, फीडबैक पाथ नहीं है, तो इसमें ऐसा सॉल्व मत कर देना कि ये वाला जी अपॉन 1+ ये वाला जी इंटू ये जी, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करना है। तो ये दोनों जो हैं ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होंगे, G5+ ये पूरी टर्म, ये वाली जो पूरी टर्म होगी क्योंकि ये फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। ये वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फीडबैक पाथ है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे G4/1-, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, जब पॉजिटिव होगा तो आपको माइनस यूज करना है, तो 1-H2G5G4। तो आपके पास एक ब्लॉक तो ये बन जाएगा, इस पूरे की जगह एक ब्लॉक ये वाला बनाना है और एक ब्लॉक ये बनाना है इस पूरे की जगह। तो इन दोनों को फिर बाद में आप सीरीज में लेकर और सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों ब्लॉक जो हैं ये आपके पास सीरीज में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, G1G2/1-G3/1+H2G2H1G2, ठीक है। इन दोनों को फाइनली फाइनली जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों के गेन को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो इस तरीके से, और ये जो है आपका CS/RS हो जाएगा। फाइनली आपको एक ब्लॉक बनाना है जो ये वाला ब्लॉक होगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको लिख देना है CS, यहाँ पर आपको लिख देना है RS, और जो उसका आंसर होगा वो आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख देना है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल जो है ये आपको सॉल्व करना है अपने आप से, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, तो आपको कोशिश करनी है कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं कोई अलग तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार खुद ट्राई करना है। अगर ये सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, और सॉल्व हो भी जाता है तो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सारे लिंक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।